अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मूलाज देखते हैं। दो फार्मूले लिए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूले जितने अच्छे याद होंगे उतने आसानी से आप को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक हाउ टू मेक अ फार्मूला, फार्मूला कैसे बना, ये आपको हैंड दे रहा हूं। इनके साथ पेपर में फार्मूला भूल गए कोई सा भी हो तो फार्मूला कैसे बनता है, जैसे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 टाइम a प्लस बी को लिखना है। मैंने उसको तीन दफा क्या करा, लिख दिया। a प्लस बी का होल क्यूब होता तो मैं उसको तीन दफा लिखता, यानी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास वो फार्मूला सॉल्व हो जाता। मैंने यहां क्या किया, a प्लस बी को 2 टाइम लिखा। ये मल्टीप्लाई कैसे होता आता है, लेकिन फिर भी गाइड कर रहा हूं। कोई भी ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, दो दफा लिख देंगे, इसको चाहे या इसको चाहे। आपने एक ब्रैकेट क्या करा, दो दफा लिखा ए बार और ये बी प्लस का बार आया। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ए बी और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूले के अंदर हमने क्या करना है, एक तो पैटर्न ये कि हम सिंपल वे में करें, उसे आपको थोड़ी देर के लिए शायद आए फिर भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं देख लें फिर बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपके जहन में होता है। आपका नाम क्या है आपको पता होता है, आपकी चीज जो जहन में होती है ना वो आप फौरन कर सकते हैं। तो ऐसी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये चीज कंसेंट्रेशन देके करनी है, मुझे पता है और मैं कर सकता हूँ, वो आता है। देखिए कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस में कोई ना कोई कमी मौजूद है, तो इस चीज का ख्याल रखेंगे। अब क्या है, तीन चीजें मैंने लिख दी इस फार्मूले में, मेरे लिहाज से कितनी चीजें, तीन। दो देगा एक मालूम करनी है। अब ये दो गिवन है तो ये क्या करना होगा, मालूम। तो पहले डेटा की तरफ जाएंगे, वो जहन में बनना शुरू हो जाएगा। आपको ये दे दिया और ए भी दे दिया तो अब मालूम क्या होगा, ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, तो आपको मालूम क्या करना होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अगर आपको ए प्लस बी मालूम करना है तो आपको क्या देगा, ए स्क्वायर दे देगा और टू ए बी की वैल्यू गिवन कर देगा। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है करना कैसे होगा, फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, हमें क्या करना था, ये मालूम करना है। तो वहां पर मौजूद क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए बी की वैल्यू गिवन होगी, उसकी जगह वो वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिएगा उसकी वैल्यू रखेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे प्लस। अगर ए प्लस बी की जगह आपको ये मालूम करना है और स्क्वायर नहीं है, अब कैसे मालूम होगा, तो आपने क्या करना होगा, रूट लगाएंगे और आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ए प्लस बी मालूम करेगा। तो हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, प्लस वाले और माइनस में से यहाँ क्या फर्क आ रहा है, माइनस। अगर आप देखें चीजें वही हैं, चीजें तीन ही हैं, एक दो तीन, यहाँ साइन का फर्क आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो अच्छा, डिफिकल्ट ये है ऐसे करने का तरीका, जब ऐसे आप फॉर्मूले को सॉल्व करते मुश्किल होती है, थोड़ा सा पैटर्न मुश्किल देगा, लेकिन अगर एक दफा आ गया तो जाएगा नहीं। तो हमेशा पढ़ना ऐसे है कि हमेशा के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास बुक्स हैं उसमें देखिएगा पैटर्न्स, आपको पढ़ना आना है। अगर एक चीज प्लस किए इक्वल टू के बाद आएगी वो किसकी हो जाएगी, माइनस। ये सारी चीजें आपको बताएं वो एप्लीकेबल होगी इंशाल्लाह, बहुत आसानी के साथ ये मामले सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ये सॉल्व किया है बच्चों, एक आसानी हो जाएगी आपको, इसकी तस्वीर भी है आपके पास मौजूद। आपने क्या करना है, कोई भी चीज अगर मालूम करना है, जैसे ये प्लस का है इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का था उधर गया किसका हो गया, माइनस का। तो फॉर्मूले बनाना आने चाहिए। जैसे हम इक्वेशन मालूम करते थे एक्स प्लस वाई, यानी अगर वाई को ले जाएंगे जैसे ग्राफ में होता था, इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न अप्लाई होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।